हाँ जी रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड। यस चलिए जी, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन थिंग। ओके अच्छा, एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात हो रही थी। एंगल ऑफ ट्विस्ट का एक्सप्रेशन हमें चाहिए, ठीक है। आई विल रेफर यू बैक टू एन इक्वेशन जिसको हमने लास्ट टाइम आई थिंक वी कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। याद करें, अपने नोट्स खोलें। आई थिंक यू डू इट विद मी ऑल ऑल द टाइम, ठीक है ना। तो आपको याद होगा एक इक्वेशन हमने डिराइव की, इसका नंबर कुड बी एनी नंबर, बट दिस वॉज द इक्वेशन दैट वी, इट वॉज एन इंटरमीडिएट इक्वेशन, यानी बेसिकली इट वॉज नॉट द एंड। We were on our way to derive the torsion formula last time, ये वेंसडे की बात कर रहा हूँ। उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज पे एक इक्वेशन आई थी which was ये भाई, और मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूँ कि इसी तरह की एक और इक्वेशन भी हमारे पास आई थी। दो हमने निकाली थी, डी फाइव और डी एक्स की, दो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी। एक ये थी, याद है ना। और फिर हमने इन दोनों को आपस, हमने कहा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फॉर इन बोथ केसेस, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, जाहिर है, दिस इज व्हाट इक्वेशन इज। और फिर हमने टॉर्जन फॉर्मूला निकाला था, याद है ना आपको। तो वो तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया मैंने। एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इक्वेशन फॉर, जाहिर है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई, आई एम इंटरेस्टेड इन फाई बेसिकली, ठीक है ना। तो बेसिकली देन यू कैन, इसलिए मैंने कहा था कि हमने सारा काम इसका ऑलरेडी किया हुआ था। We can write it in terms of d phi as this. और ये t जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये t जो है ना, ये जिस भी सेक्शन की आप बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपको इस सेक्शन पे अगर चाहिए एंगल ऑफ ट्विस्ट, या इस सेक्शन पे चाहिए, या इस किसी भी एक सेक्शन पे चाहिए, स्ट्रेस की भी बात वही है, एंगल ऑफ ट्विस्ट की भी वही बात है कि You will take stress tau t at that section. हर एक पे different हो सकता है, right? तो basically, more correctly, you will say कि it's a function of x, ये अगर x है. और अगर ये tapered है, हो सकता है ना, अक्सर नहीं होगा, अक्सर shaft tapered नहीं होते, but हो भी सकते हैं, फिर इसका मतलब ये होगा कि as you move along x, तो then J is also a function of x. J क्या है? Pi over 2 c की power 4. अगर ये hollow नहीं है तो, और अगर hollow भी है, तो in that case भी it depends on the radius. If a radius is changing, तो इसका मतलब है कि जिस section की आप बात कर रहे हैं, जिस section की बात कर रहे हैं, उस पे अगर आपको let's say चाहिए stress, तो फिर तो आप उस section का तो एक ही J होगा. But जहाँ angle of twist की बात है और आपको पूरी length पे angle of twist चाहिए, तो आप इस पे कौन सा J लेंगे? प्रॉब्लम है ना, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस केस में, इस तरह के केस में, तो अगर मैं जनरल फार्मूले की बात करूं, तो हमारा फार्मूला एक्चुअली ये था। इट कुड बी कि हमारा शार्प टेपर्ड ना हो, तो फिर तो जे जाहिर है नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, खाली जे रह जाएगा, तो ठीक है, फिर हम जे यूज कर लेंगे। इट कुड बी कि टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स लाइक दिस, टी इस तरह की चीज है, स्टेप फंक्शन, यानी इधर एक टी लग रहा है, फिर एक इधर टी लग रहा है, फिर एक इधर टी, तो इन बिटवीन कॉन्स्टेंट, इन बिटवीन कॉन्स्टेंट, इन बिटवीन, फिर तो यार टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। बट हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये आपका जनरल, ये जो फार्मूला है, एक्चुअली इट इज दिस, ठीक है। तो अगर आपको फाई चाहिए हो, ये तो डी फाई है ना, ये डी फाई का क्या मतलब है कि इसमें से हमने एक छोटा सा स्लाइस लिया ऑफ लेंथ डी एक्स, उसमें ये स्लाइस में डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है, ये ओरिजिनल लाइन थी रेडियस तक, ये फिर चेंज ऑफ लेंथ, ये बेसिकली डी फाई है इफ दिस लेंथ इज डी एक्स। हमें एक खास लेंथ की अगर चाहिए चेंज ऑफ एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट,
जाहिर है फिर आप इसको लेंथ पे इंटेग्रेट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। इसको अगर मैं आपको एनालॉजी एक्सियल की दिखाऊं, एक्सियल में जो फॉर्मूला बना था ना, ये बना याद है, ये वो है जिसमें p इज अ फंक्शन ऑफ x और a इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, और हमने वो फॉर्मूला किया था ना, वो जिसमें जैसे वो कौन वाला सवाल था, इसमें a हर पॉइंट पे डिफरेंट था, याद है ना आपको, अब p भी डिफरेंट हो सकता है, अगर आप वेट वगैरह लेंगे तो p डिफरेंट होगा, ठीक है ना। सो दिस वॉज द केस। नाउ दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ ट्विस्ट। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको फॉर्मूला, मैं बजाय ड्राइंग बनाने के मैं कुछ लेके आता हूँ ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, ताकि फिर उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसको मैं बना देता हूँ, ये देखिए, अगर इस तरह का सवाल है तो आप कुछ लग रहे हैं, जाहिर है इफ आई कट सेक्शन दिस तो देयर विल बी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल एक्सियल को आप सेम में रखें, तो जाहिर है आप इस सेक्शन पे कोई ना कोई टॉर्क होगा, जाहिर है वो एक्चुअली वो इस रेड टॉर्क के बराबर ही होगा, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो ये टॉर्क हम यूज करेंगे, तो इट्स इस सेक्शन पे थ्रू आउट बिटवीन दीज टू रेड टॉक्स, कोई भी सेक्शन काट लें तो वो यही टॉक होगा। अच्छा फिर उसके बाद अगले दो के दरमियान काट लें, वो भी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, तो ये बिल्कुल एक्सियल फोर्स डायग्राम की तरह ना, कांस्टेंट कांस्टेंट, हर एक के बाद जंप आएगी तो कांस्टेंट जंप कांस्टेंट जंप कांस्टेंट, तो इसमें टी इज नॉट अ फंक्शन एज सच ऑफ एक्स, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक है। इसमें तो फिर आपको फॉर्मूला है वो, फिर आपको ये जो फॉर्मूला है टी डी एक्स ओवर जे एक्स जी, ये फार्मूला की जरूरत नहीं है आपको, देन इन दिस, और खासतौर पर अगर ये टेपर्ड नहीं है तो फिर जे इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फिर तो आपको बेसिकली समेशन ऑफ टी एल ओवर जे जी होगा, यानी जाहिर है इस रीजन में एक, ये बिल्कुल एनालॉजी, फिर वही एक्सियल, ये फोर्स है, वट फॉर एग्जाम्पल, तो ये बीच में ए बी सी डी ना, तो आपको ए बी का चाहिए, फिर बी सी का चाहिए, सी डी का चाहिए, ठीक है ना, और जस्ट समेशन काफी है। लेकिन जब इस तरह करके कंटिन्यूस कोई टी आ रहा होता है, वो याद करें वो जो रेत में हमने ऊपर से पोस्ट को हम हिट कर रहे थे, रेत में जा रही थी, याद है ना, अब उसका कुछ इस किस्म का वेरिएशन थी, याद है ना आपको, तो उसमें तो आप इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन होगा, यहाँ काटेंगे कुछ और होगा, यहाँ काटेंगे कुछ और होगा, ये कोई एक दो ऐसे पॉइंट नहीं जिनके दिमाग आपके कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। इसमें तो हम सही मानो मिल सकते हैं टी एक्स, तो इसी तरह अगर आप टॉर्क क्वेश्चन में भी, अगर आप एक जिस तरह ऑयल ड्रिलिंग है और फॉर एग्जाम्पल कोई एक इस तरह की कोई चीज़ है, इसको आप सॉइल के अंदर रोटेट कराते हैं, तो अब इसकी जो रेजिस्टिंग टॉर्क आएगी, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, एज यू मूव इन टू द सॉयल, रेत में या जमीन में जितना अंदर जाते रहेंगे रेजिस्टेंस होता बढ़ती जाए, तो फिर इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है, तो फिर ये वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि कुछ पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, देन यू विल कॉल टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और अगर ये टेपर भी है तो फिर जे इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो फिर आपको जाहिर है इन दैट केस फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, ये हम अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली जो बल्क मेन काम था ना जो हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाएं ज़रा आपके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस मैं आपसे लेता हूँ, प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। तो जब टी कांस्टेंट होगा तो जे भी कांस्टेंट हो जाएगा? नहीं, टी और जे का कोई ताल्लुक नहीं है, जे कब कांस्टेंट होगा, जब रेडियस, जब उसका रेडियस कांस्टेंट होगा, प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, ओके, ठीक हो गया ना। हाँ, और टी का तो ताल्लुक है, वो अभी मैं कुछ लोडिंग आपको दिखाऊंगा जिसमें टी कांस्टेंट नहीं होता, कुछ में जिसमें होता है, वो अभी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एक भी चीज़ इसमें से अगर
हो सकता है ना टी कॉन्स्टेंट हो, टी तो आपको इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ जाएगी अगर इनमें से एक भी चीज वेरिएबल है, ठीक है। ये सब अगर वेरिएबल नहीं रहेंगे तो फिर समेशन चलेगी, एक भी चीज अगर वेरिएबल नहीं रहती तो फिर आपको समेशन किसी ना किसी, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जे जो है वो कॉन्स्टेंट है यानी कि वो प्रिज्मेटिक बार, लेकिन पी टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब द फैक्ट दैट जे इज अ कॉन्स्टेंट, द फैक्ट दैट जी इज अ कॉन्स्टेंट, जी तो कॉन्स्टेंट ही होता है कि मटीरियल आप यूज करते हैं आमतौर पर, नॉट हेल्प यू टू डू द प्रॉब्लम बाय समेशन। इंटीग्रेशन इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि टी तो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो बस वो फिर करनी पड़ जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस तरह का सवाल आता है। ये भी ठीक हो गई बात। अच्छा, अब एक जस्ट अ वर्ड ऑन, अब ये कोई ऐसा न्यूमेरिकल से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं इसका, अब जरा फिजिकल दुनिया में आ जाए, फिजिकल दुनिया में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फेलियर डू यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू डू और अंडरगो व्हेन दे आर अप्लाइड, दे आर सब्जेक्टेड टू टॉक, क्या है टॉक आप देते हैं तो किस तरह का फेलियर। एक चौक लें, चौक, चौक है ना, चौक क्यों अच्छी एग्जांपल है, इट्स अ ब्रिटल मटेरियल। वैसे हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं लेकिन हम तो यील्डिंग की बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल में यील्ड करते हैं पहले, फिर वो फेल तो बाद में जाके कभी होते हैं, फेल मींस यील्डिंग भी फेलियर है, बट ब्रेक वो बहुत बाद में होते हैं, वो आपको नज़र भी नहीं आएगा यील्डिंग शुरू की, तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज स्टील फॉर एग्जाम्पल यील्डिंग में क्या होता है। चौक में बड़ा ईजी है, यानी आप चौक उठाएं और उसको, ये आपकी एग्जांपल है घर जाके ज़रा इसको तोड़ के देखें, चौक को टॉक में एक हाथ से लेफ्ट घुमाएं एक हाथ से राइट घुमाएं चौक को, तो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा, उसको आपने देखना है कि वो किस एंगल पे टूट, ठीक है, ये आपने ज़रा चेक करना, ठीक है, ओके। नाउ ये आपका एक किस्म का होमवर्क है। अब बेसिकली एक छोटी सी और चीज देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शीयर आपने पढ़ा था, याद है वो क्या होती है, याद है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शीयर की चीज होती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शीयर ये होता है कि शीयर स्ट्रेस ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स, याद है आपको, कुछ याद आ ही रहा है, कुछ याद है, यानी कोई पॉइंट हो ना, लेट से ये पॉइंट, इस पे अगर ये शीयर स्ट्रेस, ये शीयर स्ट्रेस है ना इन द प्लेन, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस प्लेन के अंदर जो स्ट्रेस है शीयर स्ट्रेस है, तो मैंने आपसे उसको भी कहा था ये हो नहीं सकता कि ये हो और इसके 90 डिग्री ऑफ प्लेन के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट शीयर स्ट्रेन ना हो, ये हो नहीं सकता, ये हमेशा पेयर में होते हैं, या को ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब जरा इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी देख लें, टॉर्जन भी शीयर स्ट्रेस है ना, तो शीयर स्ट्रेस जब भी आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी आनी चाहिए, राइट। तो ये जरा अच्छी तरह इसको देख लें, उसकी वजह ये है कि ये देखिए, ये आप मानते हैं कि ये अब हॉलो शाफ्ट की एग्जाम्पल है, बट फॉर सॉलिड शाफ्ट इज इट इज ऑल्सो वैलिड। ये तो आप मानते हैं ना कि यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो कम होगा एज कम्पेयर टू ये तो हम देख चुके हैं ना कि टी इज अ फंक्शन ऑफ टॉ इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये तो ठीक हो गया ना बात। अच्छा, अब कोई भी एक पॉइंट उठा के देखें, ये इनमें से कोई भी पॉइंट, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, बट स्ट्रेस की डायरेक्शन तो यही है ना, इतने नहीं है। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस ये वाला तो हमें समझ में आता है, जो हमने अभी सारा डराइव किया वो ये वाला स्ट्रेस है, हमने जब कहा ना ये एक शाफ्ट है, इसको ये सेक्शन काटें तो ये एक्सपोज हो जाएगा, तो जब ये एक्सपोज होगा तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्ट्रेस की ये वाली होगी, ये बेसिकली, तो ये जाहिर है इस प्लेन के अंदर है ना, तो ये जो सामने वाला दिस वन मेक सेंस, व्हाट आई वांट यू, मतलब ये तो हर एक को पता ना कि क्या हो रहा है, व्हाट आई वांट टू यू टू अप्रिशिएट इज दिस, जब ये आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर के मुताबिक ये हो नहीं सकता कि ये 90 डिग्री पे ये वाला स्ट्रेस ना आए, ये क्लियर है बात। अच्छा, ये क्यों बात कर रहा हूं, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस की ट्रायंगुलर ये होगी ना, ये जो नजर आ रही है, यानी
ये वाली, और एक फिर डिस्ट्रीब्यूशन अंदर इंटरनल भी होगी इस सेक्शन में, जो आप जो अपेरेंटली आपको लगेगा क्योंकि ताल्लुक नहीं है शेयर का, वो इसलिए आएगी कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी शेयर में हमारी मजबूरी है, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये वाला टर्म एक्स समझ में आता है, ये वाला टर्म एक्स भी इसी तरह होगा। तो ये आप देखें वो एक एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और एक ट्रायंगल अंदर की तरफ बन रहा है, क्लियर है ना ये बात। अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है एक एकेडमिक पॉइंट के हिसाब से ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है क्लियर हो गया। पॉइंट बीइंग कुछ फेलियर्स ऐसे होंगे, कुछ फेलियर्स ऐसे होंगे जो आपको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे अनलेस यू नो अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल अगर आप वुड की एग्जांपल, ये देखिए लकड़ी के भी शाफ्ट होते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर आपने लकड़ी का कोई शाफ्ट बनाया उसको टॉप सब्जेक्ट किया, हो सकता है वो इस अब लकड़ी भी इज अ गुड एग्जांपल, कई कुछ लकड़ियाँ ब्रिटल टाइप होती हैं, मतलब मोर रिलेटिवली सो लकड़ी इज नॉट अ ब्रिटल मटीरियल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो स्टील बहुत लेट जाके ब्रेक होता है या यील्ड तो कर जाता है बट यू कैन नॉट सी इट, ठीक है जब तक तो ब्रेकिंग ना हमें नज़र नहीं आती चीज के लिए, ठीक है ये वुड वगैरह में हमें नज़र आ जाता है, ठीक है। अब इस तरह का ये क्रैक होता है, ये देखें क्रैक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे क्रैक आया है, इसको देख के कोई कह नहीं सकते टॉर्जन से आया है, यानी इसको देख के आप कह नहीं सकते कि ये टॉर्जन से आया होगा, आप टॉर्जन से तो कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं ना, आप टॉर्जन से एक्सपेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल टॉर्जन से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये शाफ्ट था आपने इसको टॉर्क दिया तो जाहिर है इस सेक्शन को अगर काटें तो ये डायरेक्शन है, इस पर अगर ब्रेक ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाए समझ में आता है ना, ये तो ऐसे ब्रेक हुआ, ये क्यों हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है, ये इसका कोई ताल्लुक इतना हमारे न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्स और इन चीज़ों से नहीं है, ये फिजिकल आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीज़ों में, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एनालिसिस करना पड़ सकता है कि ये क्यों हुआ, यानी इस किस्म का ब्रेक क्यों आया, इसका आंसर वही है। ये तो स्ट्रेस बड़ा ऑब्वियस है ना, ग्रीन में आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रेस तो बहुत ऑब्वियस है, इसमें भी ब्रेक हो सकता है, इसमें ब्रेक होगा तो वो लॉन्ग इस तरह करके कट आएगा राइट। ये जो रेड वाला है ये भी तो है ना, ठीक है ना, ये ब्रेक इस अलॉन्ग दिस सेक्शन हो गया, आप नोट करें ये कट इस तरह करके आ गया, इट मीन्स के ये वाला इधर ब्रेक हुआ, ठीक है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन, इस तरह ही क्यों हुआ है, उस तरह क्यों नहीं हुआ वुड में, तो उसका जवाब ये है, बस यह कह के मैं आगे बस बढ़ जाऊंगा, इसका जवाब ये है कि वुड इज नॉट एन आइसोट्रॉपिक मटीरियल, आइसोट्रॉपिक मटीरियल कौन से होते हैं, जैसे स्टील है, जैसे कॉपर है, जैसे एल्यूमिनियम है, इनकी हर डायरेक्शन में एक ही जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी आप इनको इस डायरेक्शन में खींचें, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में खींचें, जेड में किसी भी डायरेक्शन में खींचें, इनकी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होती है। क्यों, ये लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ ग्रेन से मिलके बनते हैं, हर ग्रेन तो आइसोट्रॉपिक नहीं होता, हर ग्रेन तो एनआइसोट्रॉपिक होता है, यानी उसको लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, लैटरल प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, एक जगह वो वीक होता है, एक ग्रेन उसका स्ट्रॉन्ग होता है, बट चूंकि ये हज़ारों लाखों जब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड ग्रेन्स जब मिलते हैं तो वो एवरेजिंग आउट हो जाती है, ओवरऑल मैक्रो मटीरियल अगर आप लें, यानी आप एक बड़ा मटीरियल लें तो उसमें ये सब एवरेजिंग आउट हो जाती है, तो हर डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर्टी, बहुत छोटे लेवल में चले जाएं नैनो स्केल में तो जाहिर है आप ग्रेन्स तक पहुँचेंगे, ग्रेन्स तक पहुँचेंगे तो ग्रेन आइसोट्रॉपिक नहीं है, वहाँ यही होगा, लेकिन हम चूँकि स्टील में आमतौर पर जो आम हमारे स्ट्रक्चर हैं वो तो मैक्रो है ना, वो तो सारे एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेन्स का सारा एक्यूमुलेटिव इफेक्ट उसमें आ जाता है। अच्छा वुड जो है ना वो अपने फाइनल स्टेज में भी एनआइसोट्रॉपिक, यानी उसकी स्ट्रेंथ एक डायरेक्शन में कम होती है, एक में ज़्यादा होती है। वुड में होता क्या है, ग्रेन्स ऐसे ऐसे कर ग्रेन इस डायरेक्शन की, ठीक है, तो अब ये ग्रेन जा रहा है जो बिल्कुल वुड इज अ कंपोजिट मटीरियल, मतलब नॉट आर्टिफिशियल कंपोजिट बट नेचुरल कंपोजिट, ठीक है ना, तो इसमें ग्रेन डायरेक्शन जो है ना वो ये है,
ऐसे कट करना इसका बड़ा मुश्किल काम है. ये इसकी इसकी जो स्प्लिटिंग होती है ना वो हमेशा लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में होती है. ये मतलब बेसिकली हम जो बात मैं इसको खत्म करूंगा, ज़्यादा लंबी बात हो गई है. मैं ये कह रहा था कि शीयर स्ट्रेस एक तो इस प्लेन में पैदा होगा, इस प्लेन में वो तो नजर आ ही रहा है, एक इस प्लेन में भी पैदा होगा. अब वुड में ये वाला प्लेन क्यों स्प्लिट नहीं करता और ये कर जाता है, उसकी वजह ये नहीं है कि ये एक ये वाली ज्यादा है और ये कम है. नहीं, ये दोनों बराबर हैं स्ट्रेसेस. वुड वीक है इस प्लेन में, वुड इज वीक इस प्लेन में, वुड इज स्ट्रॉन्ग. ये डिफरेंस जो है आपको स्टील में नजर नहीं आएगा. स्टील कैन इक्वली ब्रेक इन दिस डायरेक्शन और इन दैट डायरेक्शन. वो तो डिपेंड कर देगा उसमें फ्लॉ कहाँ पे है, ठीक है ना. बाय डेफिनेशन कहीं पर ब्रेक कर सकते. ठीक हो गया. ओके ये. और इफ देर इज नो अदर क्वेश्चन, शुड वी प्रोसीड टू the problems or not? Sir, इसमें से normal के यानी के जो basic है और complementary red वाला ना? Complementary red. नहीं इसको normal और complementary हम नहीं कहेंगे. हम कहेंगे कि दोनों इकट्ठे produce होते हैं. ये एक दोनों एक complementary है एक दूसरे. Complementary ये होता है कि complementary. ये E वाला complement है ना? जी. ये E वाला complementary है. और एक I वाला भी होता है. मैरिड नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि एक दूसरे को पूरा करते हैं. ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा. अच्छा, मगर द थिंग इज कि ये यानी एक चीज में एक कमी है, दूसरे में उस यानी एक दूसरे को ये कंप्लीट कर लेते हैं. तो अब इसमें ये नहीं आप कह सकते कि ये मेन है और वो दूसरा कम है. ठीक है, यानी ये दोनों मिल के पूरा करते हैं. तो इसमें से कोई मेन और कोई सेकेंडरी नहीं है. ये दोनों इकट्ठे प्रोड्यूस होते हैं और इक्वल प्रोड्यूस होते हैं. और जब हटते हैं तो दोनों इकट्ठे हट जाते हैं. जब गायब होते हैं दोनों गायब हो जाते हैं. तो इसमें मेन और वो वाला मामला नहीं है. ठीक हो गया. तो लेफ्ट वाली फिगर दिखाएंगे. लेफ्ट वाली इनको दिखाते हैं. ये ले. अच्छा, लेकिन वो जो सबसे बॉटम वाला पीस है उसके यहाँ तो हर जगह एरोज लगे हुए हैं. उसके पीछे भी है और लेफ्ट पे भी है. नहीं वो तो लगेंगे. वो नहीं हर एक में लगे हुए हैं. वो देखिए वो हाँ वो लगेंगे ना. देखिए आप वो भी कट किया ना. जब आप कट देखिए मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा. मैं ऑरेंज में दिखा रहा हूँ. यहाँ पर नहीं लगे हुए ना बैक पे. यहाँ पे नहीं लग रहे. क्यों नहीं लगे हुए? क्योंकि आपने पीस को कट नहीं किया हुआ ना. जहाँ कट किया वहाँ तो एरो लगाए हैं. जहाँ नहीं कट किया हुआ वो तो इंटरनल है ना. वो तो बैलेंस हो गए. ये आपने पीछे ये वाला प्लेन भी कट करके निकाल लिया ना. जब निकाल लिया तो जाहिर है जब निकालेंगे तो एरो आ जाएगा. अच्छा क्यों? हाँ इसको बैलेंस नहीं करना इसने. जी सर समझ गया. तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ भी आएगा. समझ गया ना. तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक हो गया. अच्छा चलिए अब फाइनल एक छोटा सा पॉइंट है. फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. वो छोटा सा पॉइंट एक्चुअली वो न्यूमेरिकल ही है. वो भी मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है. वो है साइन कन्वेंशन. एक्सियल में याद करें फिर एक्सियल हमारा पुराना दोस्त. ये फोर्स है ये फोर्स है ये फोर्स कुछ लग रही है. हम ये काटते थे. हम काटते थे तो जाहिर है इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स आई है ना. इसको मैं पॉजिटिव लेता था नेगेटिव लेता था ये एक सवाल हो उस वक्त भी उठा था. तो हमने कहा था कि एनी फोर्स विच इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन विल बी पॉजिटिव. जैसे इस केस में ये है ये पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा अगर कोई ऐसा हम सेक्शन काटते हैं और उसमें उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स इनटू द सेक्शन जा रही है. ये राइट लेफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. राइट लेफ्ट तो बड़ा मिसलीडिंग होता है. ठीक है ना. यानी अगर मैं इसको पॉजिटिव कह रहा हूँ ये वाला तो ये भी पॉजिटिव है ना. जाहिर है क्योंकि ये टेंशन है एक्सटेंड हो रहा है. पॉजिटिव टेंसाइल है ना. तो इन दोनों को मैं पॉजिटिव जो कह रहा हूँ तो एक तो राइट डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा है और एक लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो अगर मैं लेफ्ट राइट का फैसला करूं तो फिर तो ये दोनों पॉजिटिव भी हैं और दोनों नेगेटिव भी हैं. मतलब फिर तो फैसला नहीं हो सकता ना. तो फैसला इससे नहीं होता है कि राइट की तरफ जा रहे हैं राइट लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. फैसला इससे होता है कि क्या अपने अपने प्लेन से आउट जा रहे हैं या इन जा रहे हैं. तो आप नोट करें ये भी अपने प्लेन से आउट जा रहा है ये भी अपने प्लेन से आउट जा रहा है. तो ये दोनों पॉजिटिव. ठीक हो गया ना. अच्छा अगर कोई हम सेक्शन काटेंगे और ऐसे आएगा तो फिर जाहिर है उसके दूसरी तरफ भी यहाँ पे बिल्कुल साथ ही एक प्लेन काट लूँ इसको बैलेंस करने के लिए. दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना. आइदर यू लुक ये मैंने कट किया ये मैंने कट किया ये वाला देख लूं या ये वाला पोर्शन देख लूं. बात
नहीं हो सकता ना, आइदर इट्स टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो अगर टेंसाइल है तो वो दोनों कोई भी कट करके फ्री बॉडी डायग्राम का वन पार्ट देख लूँ या अदर पार्ट देख लूँ, दोनों सेम होने चाहिए, कोई प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे उसको भी कहा था कि ये प्लस और माइनस का फैसला इससे नहीं होगा कि राइट में है या लेफ्ट में है, क्योंकि वही बात, ये राइट में है ये लेफ्ट में, हालांकि मुझे पता है ये दोनों बेसिकली पॉजिटिव है क्योंकि आउटसाइड निकल गए, ठीक है। फैसला होगा क्या ये दे कम आउट ऑफ द प्लेन और इन टू द प्लेन, ठीक है ना। अच्छा, अब टॉर्क में क्या होगा, टॉर्क में भी इसी तरह की कन्वेंशन बनाएंगे, ठीक है, वो मैं बस बता दूँ। इट इज़ नॉट अ सेपरेट टॉपिक बट इट इज़ जस्ट अ साइन कन्वेंशन जिसके बाद हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से हम साइन कन्वेंशन बनाएंगे। एक्सियल में हमने कहा था कि आउट ऑफ द सेक्शन पॉजिटिव होगा इनटू द सेक्शन नेगेटिव, फोर्स भी और डिफॉर्मेशन, इसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम फोर्स यूज करके डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स में फार्मूले में एफ एल ओवर ए वाले फार्मूले में F को हम पॉजिटिव रखेंगे जहाँ वो आउट ऑफ द सेक्शन होगा, जहाँ इन टू द सेक्शन होगा वहाँ नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम समीशन कर रहे हैं ना एफ एल ओवर ए, तो एक लेट से पॉजिटिव है, आगे हम चल तो इस तरह करके चीज़ है ना, तो ये ए बी सी डी फॉर एग्जाम्पल डेल्टा ए स्लैश डी कैलकुलेट करना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब इसमें हो सकता है कोई कंप्रेशन में हो, कोई टेंशन में हो, कोई प्लस आ जाएगा, कहीं नेगेटिव आ जाएगा, कहीं प्लस आ जाएगा, एंड रिजल्ट में अगर प्लस आ गया तो इट मींस फिर नेगेटिव, फिर हम इसको फिर इंटरप्रेट करेंगे, इट मींस कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर एंड रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, यानी कि बेसिकली साइन कन्वेंशन एक ही है फॉर बोथ, फोर्स के लिए भी और डिफॉर्मेशन के लिए भी साइन कन्वेंशन बिल्कुल एक है। आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव, इन टू द प्लेन नेगेटिव। टॉर्क को देखने क्या है, आपने एक खास सेक्शन कट किया, वॉट एवर द सेक्शन यू कट, ठीक है। अब उस सेक्शन पे लेट से ये टॉर्क बैलेंसिंग टॉर्क ही आता है, ठीक है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो भाई बात ये है कि आप इसके साथ अपने राइट हैंड को लें, उंगलियां कर्ल करें, ठीक है, इस डायरेक्शन में। जब कर्ल करेंगे तो आपका अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बेसिकली टॉर्क का यही साइन कन्वेंशन। टॉर्क बेसिकली टॉर्क का जो वैक्टर होता है, टॉर्क वैक्टर है ना, ये जो टॉर्क यहाँ शो हुआ है ना, ये वाला टॉर्क, इसको अगर मैं वेक्टर में शो करूँ ना, बेसिकली वेक्टर ये है, वेक्टर की तो एक डायरेक्शन होती है ना, एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन बेसिकली ये है। क्यों ये है, बिकॉज मैंने अपनी उंगलियों को जब कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो ऑटोमेटिकली जो अंगूठा जिस तरफ जा रहा है वो है, ठीक है। अच्छा, अगर ये होता ऐसे होता, फिर अब उंगलियों को कल करें जरा, अंगूठा किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें, अब फॉरगेट अबाउट दिस, ये जो ब्लू शो हो रहा है, इसको अगर मैं इस सेक्शन को देखूं तो इस सेक्शन के हिसाब से तो मेरा अंगूठा आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, तो ये प्लस है। अच्छा, लेकिन ये मैंने सेक्शन कट करके ये वाला हिस्सा देखा था, मैं ये सेक्शन कट करके ये वाला हिस्सा भी तो देख सकता था, आई कुड हैव इजी, है ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम जो आप कट करते हैं, सेक्शन तो एक ही सेक्शन है, दिस सेक्शन इज द सेम एज दिस सेक्शन, एक ही सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये दो सेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि आप ये वाला ऐसा थ्रो अवे करके ये इधर से देखते हैं, लेफ्ट से राइट से, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम सेक्शन, तो इट वुड बी एब्सर्ड टू गेट पॉजिटिव टॉर्क इन वन केस और नेगेटिव टॉर्क इन अनदर केस। तो लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, देखें क्यों ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे अगर ये एरो ऐसे है तो इस सेक्शन पे एरो हैज टू बी लाइक दिस, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि ये जब ये मिलेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएंगे, ये जब मिलते हैं तो हम क्यों, अभी सवाल किया गया था कि एरो बैक साइड पे भी शो हो रहा है, मैंने कहा जहाँ उसको आपने आइसोलेट किया मटेरियल से वहाँ तो शो हो रहा है, जब मटेरियल में जाके लगता है तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है, तो अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ऐसे ही होना चाहिए,
इक्वल एंड ऑपोजिट, तो अगर ऐसे होना चाहिए तो इसके साथ आप कर्ल करें अपनी उंगलियां, तो ये भी आउट, ये अपने सेक्शन के हिसाब से आउट ऑफ द सेक्शन जा रहा है, राइट right? तो ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स कि ये वाला टॉर्क हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और अगर ये वाला टॉर्क आ जाए, यानी इसकी जगह ये वाला टॉर्क आ जाए, ये नेगेटिव है, तो फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा ना, तो ये भी नेगेटिव हो, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ टॉर्क नेगेटिव होगा, बल्कि जिसका टॉर्क नेगेटिव पॉजिटिव है उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट भी, इस केस में एंगल ऑफ ट्विस्ट ये आएगा ना, जाहिर है जब इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और इस केस में ये पॉजिटिव होगा, तो यानी देयर इज नो डिफिकल्टी देयर। अब इससे ज़्यादा मैं अभी मजीद इसमें नहीं जाऊँगा, मैं जो न्यूमेरिकल कराऊँगा उसमें फिर क्लियर हो जाएंगी सब। साइन कन्वेंशन अगर आप नोट करें, ये बिल्कुल वही कन्वेंशन है जो हमने पहले यूज़ किया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो फोर्स थी और ये टॉर्क है, तो ज़ाहिर है टॉर्क में कर्ल्स होते हैं, कर्ल होता है, थंब होता है, उंगलियाँ होती हैं, टॉर्क में होती हैं, फोर्स तो नहीं होती, फोर्स तो डायरेक्टली नज़र आ रहा होता है कि भाई वेदर इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द सेक्शन और इनटू द सेक्शन, तो उसमें ये अंगूठे उंगलियों वाला गेम नहीं था। अदरवाइज एक चीज़ जो कॉमन थी वो क्या थी, इनटू द सेक्शन है तो नेगेटिव है, आउट ऑफ द सेक्शन है तो पॉजिटिव है, वो याद है ना आपको, यहाँ भी वही है, इसलिए कोई ऐसी डिफिकल्टी इधर भी कोई नहीं है, ठीक हो गया। नाउ I think we have done everything that we've had to do. Let's start doing the numericals. Asal kaam ab hai. Theek hai, ab is class mein bhi aur agli class mein bhi inshallah hum numericals karenge. Aur ye bas jaldi khatam ho jayenge. Inshallah. Ye ek pehla numerical aa gaya. Isko zara statement bhi leke aate hain. Asaan se shuru karte hain. वैसे इसके सारे आसान होते हैं, कभी आपको एक्सेल के बाद इट इज़ गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक, एक्सेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, अनफॉर्चुनेटली इट कम्स एट द स्टार्ट, तो खैर अच्छी बात है, उसके बाद हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है, द रेस्ट ऑफ द मैकेनिकल मटेरियल्स इज मच ईजियर देन एक्सेल, ठीक है जी। उसकी एक रीज़न तो यह है कि थोड़े से है भी डिफिकल्ट, दूसरा रीज़न उसका यह है कि ऑब्वियसली वो हर चीज़ स्टार्ट होती है, तो मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं होता। अब मैं यहाँ आपसे बात करते हुए कभी आपको एक्सेल की एग्जाम्पल दे देता हूँ, और फिर स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होते हैं आपको पहले ही पता है, उसमें हमें वो भी हिसाब से डिफाइन करने होते हैं, सो देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, ओके। सो नाउ इट इज़ द ईजियर पार्ट जो हम अब करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह आपको कोई इसमें होपफुली मसला नहीं होगा। प्लीज़ रीड दिस स्टेटमेंट, आई विल गिव यू अबाउट 30 सेकेंड्स टू रीड दिस स्टेटमेंट, और फिर देखते हैं कि इसको क्या करना है। सॉलिड शाफ्ट है पहले, अभी हॉलो आ जाएंगे, परेशान ना, हॉलो भी आएंगे, हमने वो डिस्कशन करनी है कि हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के प्रोज एंड कॉन्स, यानी प्रोज एंड कॉन्स फिजिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, नंबर्स वाइज, वैसे तो पता चल गया है कि क्या फ़ायदा होता है हॉलो का, नंबर्स वाइज के क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देखें, सॉलिड शाफ्ट डायमीटर 40 पता चल गया, तो इसमें जो पहली मिस्टेक एज अ टीचर आपको बता सकता हूँ, एज अ टीचर मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक करेंगे, सबसे बड़ी वो ये है कि जे कैलकुलेट करना है ना, और जे है पाई ओवर 2 सी की पावर 4, ठीक है, सॉलिड है ना, तो इसलिए सी आउटर सी इनर तो नहीं है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये लोग करेंगे मिस्टेक, और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि मैं अभी बताऊँगा कि ये मिस्टेक नहीं करनी, और फिर भी लोग करेंगे, ठीक है। अब ये इसको लेट इट बी अ चैलेंज, इसको आप इतना गुस्से में आ जाएं ये मेरी बात सुन के, यार ये हमें क्या समझता है बंदा, और आज तहिया कर लें कि एक लड़का भी मिस्टेक नहीं करेगा ऐसे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वो करेगा फिर भी, ठीक है। बार हमारा काम समझाना है, वो ये है कि ये पाई ओवर टू सी फोर में सी इज रेडियस नॉट डायमीटर, लेकिन बहुत सारे लोग इसको 40 को 20 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो मेरा मशवरा ये है कि पहले ही जब ये आया करें ना, तो सवाल में सी इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर लिख लिया करें, वरना ये मिस्टेक होगी, ठीक हो गया। अच्छा चलेंगे, तो माइनर पॉइंट था, अब असल में आ गए। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट एंड स्केच द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द रेडियल लाइन ऑफ द शाफ्ट वेयर द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, ये करते हैं। ऑल्सो डिटरमाइन द एंगल ऑफ, देखिए दोनों चीज़ें आ गई, एंगल ऑफ ट्विस्ट भी, और ये दो चीज़ें हैं, एक्सियल में एक स्ट्रेस होता था और एक डिफॉर्मेशन होती है, चेंज इन लेंथ, यही दो चीज़ें थी उसमें। इसमें क्या है, शियर स्ट्रेस है और एंगल ऑफ ट्विस्ट है। Distance between all gears is 200 millimeter. यानी उसने आपको
बजाय डायग्राम में क्लटर डालने के आपको उसने ये बता दिया कि ये सारे डिस्टेंसेस जो है ना ये 200 मिलीमीटर, ठीक है जी, मसला उसने हल कर दिया। बाकी जाहिर है मटेरियल 75 जीपीए जी उसने बता दिया, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ विद अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी इज इक्वल टू 75 जीपीए ना ये स्टील होगा, ठीक है। अच्छा ना विच ब्रिंग्स मी टू अनदर टॉपिक जो इंसिडेंटली आ गया, मैं आपको अब जिक्र आ गया तो कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ना कि भाई एक चीज जैसे मैंने अभी कहा मुझे शक हो गया कि ये जो है ना स्टील है, हाउ डू आई नो। एक तो जाहिर है एक तरीका तो ये है ना कि जी स्टील का आपको जी पता, ई तो हमारे पास 200 जीपी होता है, ये तो आपको पता है ना 200 जीपी, वो तो आपको जबानी याद किया। एक तरीका तो ये कि जी भी याद करना इन सब मटीरियल्स के, दिस इज वन वे, ओके। बट एक और तरीका भी है थोड़ा सा, एक जो इंटेलिजेंट आदमी है ना वो दो तीन मुख्तलिफ रूट से आ जाता है एक चीज़ के ऊपर, उसको तीन चार उसके कनेक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। वो हो सकता है उसको टैन थीटा किसी चीज़ का भूल जाए तो, लेकिन उसको साइन और कॉस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट मे बी अ बैड एग्जांपल, बट साइन कॉस में इतना तगड़ा है कि वो टैन निकाल देगा। ये तो खैर बहुत क्रूड एग्जांपल है, बट उसको वो कोई और रूट से आ जाए, एक चीज़ पे ब्लॉक आती है ना वो कहीं और से आ जाता है उसी पॉइंट पे, क्योंकि रियलिटी जो है ना वो एक ही है, इट इज़ जस्ट वन रियलिटी, इसकी मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशन हैं, राइट। तो अगर यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस 380 किलोमीटर है ना फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से अगर मैं साउथ में जाऊँ पहले 200 और फिर बाकी बचेगा 180, 200 प्लस 180 380, ये मैं जो भी कॉम्बिनेशन कर लूँ ये 380 ही बनना है। हाँ अगर मैं पिंडी पटिया से कहीं फैसलाबाद की तरफ निकल जाऊँ तो फिर ज़ाहिर है डिफरेंट, लेकिन अगेन उसको भी मैं वेक्टर करूँगा तो बात वहीं आ जाएगी। तो मतलब रियलिटी का एक ही वर्जन होता है, किसी भी तरह से अप्रोच करें रियलिटी को एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ मिस्टेक तो आप सही जगह पहुँचेंगे ना। जबकि जो फॉल्सहुड है या जो एरर है उसमें तो 10,000 टाइप्स के एरर हो सकते हैं, एक एरर दूसरे एरर के साथ मैच नहीं करता, रियलिटी तो रियलिटी के साथ मैच करती है ना। रियलिटी होती क्यों है, क्योंकि वो रियलिटी है, वो मैच करती है, ठीक है। सो ये जो थोड़ी सी बात दूसरी तरफ निकल गई है, एक आपको पता है मटीरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप है, ये आपको पता है वन डायमेंशनल प्रॉब्लम एक्सियल आपने देखे इससे पहले पूरा हमारा ऐसे ही था, राइट। अच्छा फिर इस कोर्स में नहीं, इस वीक में हमने टॉ ओवर गैमा जी, ये भी हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम, वेंसडे किया था, ये जब प्योर शेयर होता है तो प्योर शेयर में हमने फैसला किया था कि एक ही शेयर स्ट्रेन कंपोनेंट है एज सच जेड थीटा जेड भी जेड थीटा और थीटा जेड वो याद करें जेड थीटा वो है जो हमने कैलकुलेट किया और थीटा जेड वो है जो कॉम्प्लीमेंट्री जो आ रहा है, वही वाली बात अगेन रियलिटी वाली बात घूम फिर के वहीं आ जाती है बात, ठीक। ये तो हो गया, अब ये दो मटेरियल कांस्टेंट है ना, ये और ये हर मटेरियल के कांस्टेंट्स हैं। एक और मटेरियल कांस्टेंट भी था आपको याद करें, चेंज इन लेंथ यानी लैटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन न्यू, याद है आपको, है ना। ये भी एक मटेरियल कांस्टेंट है, हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। अच्छा अब ये तीन चीज़ें आ गई, मतलब 1, 2, 3 हर मटेरियल में ये तीन चीज़ें तो है ना, तो कुछ शीयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसकी लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसमें रेशियो है बिटवीन वन स्ट्रेन एंड अनदर स्ट्रेन, एक तरफ खींचेंगे दूसरी तरफ, यहाँ मुझे टेक्निकली स्पीकिंग मुझे यहाँ नेगेटिव साइन लगाना चाहिए क्योंकि एक पड़ेगा तो एक कम होगा, यानी ये दोनों पॉजिटिव नहीं होते, अगर एक चीज़ को खींचते हैं तो वो विड्थ उसकी कम हो जाएगी, अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूँ लेंथ कम करता हूँ तो वेट्स बढ़ जाएगी, यानी एक पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो नहीं सकती, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा क्या इनका आपस में भी कोई रिलेशनशिप है, ये एक क्वेश्चन है ना। अच्छा अब फॉर एग्जांपल ये आपको पता है 200 जीपी आपको जुबानी याद है स्टील का, मैंने आपको कहा था ब्रास का स्टील का एल्यूमिनियम का कॉपर ये तीन चार याद कर लें, स्टील तो ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो मेरा नहीं ख्याल किसी को ऐसा बंदा है जिसको नहीं पता। न्यू के बारे में आपको पता है कि इसमें इतनी वेरिएशन नहीं होती, ऑल दो वेरिएशन होती है लेकिन 0.3 इज अ वेरी सेफ नंबर फॉर, मतलब 0.33 हो जाएगा, 0.29 हो जाएगा, 0.32, बट ये इसी में खेल, आम मटेरियल जो आपके मेटल्स हैं वो तकरीबन इसी रेंज में रहते हैं, राइट।
तो आपके पास अगर ये दो चीजें पता हो ना, तो इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री, ये सवाल है. तो यस देयर इज. वो हमारा यहाँ पे स्कोप वो उसको डिराइव करना यहाँ पे नहीं है, ऑल्दो इट कैन बी डन. ये इसको याद कर लें, ये बड़ा यूजफुल रिलेशन है. यानी हर मटेरियल पे, मैं मेटल वगैरह की बात कर रहा हूँ जो जो जिनको हमने डील करना है, हर मटेरियल पे ये वैलिड है. इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि फॉर एग्जांपल किसी का कैलकुलेटर है ई 200 जीपीए 21 प्लस, ये न्यू की जगह 0.3 बगैर किसी परेशानी के. वी आर नॉट ट्राइंग टू बी वेरी एक्यूरेट हियर कि बहुत हमने 0.33 या 0.31, डजंट मैटर, 0.3 एक रफ फिगर. इंजीनियर जो है वो रफ फिगर में काम करते हैं, ठीक है ना. इंटेलिजेंस का तकाजा यही है कि जहां आपने इतने बड़े बड़े अजम्पशन गौर करनी है, वहां इतनी छोटी छोटी बातों में बहस ना करें, ठीक है. मूव ऑन. एनालिसिस पैरालिसिस एक चीज़ होती है कि बैठे रहेंगे कि करना कुछ नहीं है यार, इसकी पॉइंट्स में अभी हम एक्यूरेसी नहीं, नहीं इतनी जरूरत नहीं है. जस्ट डू द जॉब, गेट इट डन, ठीक है. 200/2 × 1.3 इसको जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएगा इसकी वैल्यू क्या आती है? आ गई ना जी की वैल्यू, एमपीए, जीपीए, जीपीए नॉट एमपीए. तो अब नाउ यू गेट व्हाट आई हैव सेड एट दैट टाइम. पता नहीं इसने कहीं ये ना हो कि मेरी सारी मेहनत के बाद पता चले स्टेटमेंट में कहीं लिखा हुआ है कि स्टील है. डजंट मैटर. बट नाउ यू गेट इट कि ये फॉर एग्जांपल किसी सवाल में आपको जी नहीं दिया हुआ, ई दिया, ई नहीं, ई भी नहीं दिया हुआ, न्यू भी नहीं दिया हुआ, ये बता दिया स्टील है. तो अब ये इस पर बैठ रहे हैं कि जी स्टील का जी नहीं पता, कैलकुलेटर, ठीक हो गया. अच्छा फिर बहुत हम दूर निकल के वापस चले जी, हमने और भी चीज़ें करनी है ना जिंदगी में, बड़ा इंसान बनना है. चलिए जी ये अब हम आ जाते हैं सवाल पे, बस ये सवाल अब सॉल्व हो, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. दो चीज़ें मालूम करनी है, मैं एक बार फिर आपको स्टेटमेंट दिखा दूँ. एक आपको मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए, लेकिन ये वाला मैक्सिमम नहीं होगा, टॉ. टॉर्जन में क्या काम नॉर्मल स्ट्रेस का? अच्छा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट रिलेटिव ऑफ गियर ई रिलेटिव टू गियर ए, यानी ए से लेके ई तक, यानी कि टोटल, बेसिकली ए से लेके ई तक टोटल चाहिए. जाहिर है ये आपको नजर ही आ रहा है कि इसमें कोई कंटिन्यूस किस्म का ना तो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क तो स्टेप फंक्शन है ना, हर स्टेप पे लग रहा है, बीच में तो ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, इसलिए इसमें वो टॉ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाला कोई सवाल नहीं है. तो इसलिए वो इंटीग्रेशन टॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं चाहिए, टी की वजह से, टी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा फिर इसका जे बी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना, क्योंकि जे रेडियस कांस्टेंट है ना थ्रू आउट, आपको बता दिया 40 मिलीमीटर डायमीटर या 20 मिलीमीटर रेडियस. तो इसमें वो इसका मतलब कि हमें समेशन वाला फॉर्मूला चल जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट की जब बात आएगी, क्लियर है ना ये बात, ठीक है ना. तो बस अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो लेट्स डू द प्रॉब्लम. चलिए जी पहले हम इसका एक एनालिसिस छोटा सा करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको दोबारा लेके आना पड़ेगा इस फिगर को, थोड़ा सा क्लटर हो गया है. Let me bring the figure again. तो फिर हम इसको करते हैं. चलें जी, first of all cut it here. ठीक है, तो क्या होगा? ये कट किया, ये आपका 15 न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है. इसको बैलेंस करने के लिए ये आएगा, राइट. तो ठीक है, मैं वो नहीं देख रहा समेशन ऑफ टॉर्क इन अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, और फिर आपको पता ही 15 आएगा, राइट. 15 ही होगा. उंगली जरा इस पे घुमाए, इज इट गोइंग इनटू द सेक्शन और आउट ऑफ द सेक्शन? इनटू द सेक्शन. राइट हैंड लगाए ना 15 के डायरेक्शन में,
उंगलियां कर्ल करें तो आपका जो एरो है ये रेड जो शो किया इसी में जा रहा है ना, तो इंटरसेक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो मुझे पता चल गया कि ये नेगेटिव, यानी बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखूंगा टी ए बी, ए से बी के दरमियान इंटरनल टॉर्क जो है ना वो नेगेटिव 15 न्यूटन मीटर, राइट। अच्छा अब यहाँ काटें, ठीक है, 15 और 25, यानी बेसिकली मैं फिर अगर डायग्राम बनाऊँ, अब मैंने बी और सी के दरमियान काटा है, ठीक है, तो एक तो यहाँ 15 लग रहा है और एक थोड़ी देर बाद आगे 25 लग रहा है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में लगे हैं, 15 प्लस 25 40, इसको भी बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, ज़ाहिर 40, और इसको अगर आप उंगलियां उसी तरह डालें घुमाएं यू स्टिल गेट अ नेगेटिव, राइट। तो मैं इसको यूं लिखूंगा कि बी सी इंटरनल टॉर्क्स है माइनस 40 न्यूटन, ये भी क्लियर होगी बात। अच्छा आप यहाँ काटें, इसको काटें, तो मेरा ख्याल है मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि 40 तो इस डायरेक्शन में है, और आप चलें इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो बना लेते हैं 15, 25 और ये 30 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप नोट करें 40 इस डायरेक्शन में 30 ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी 10 इन दर से इन दैट डायरेक्शन है, राइट, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर 10 ही आएगा, और 10 बैलेंस करने के लिए आएगा तो इसकी भी इसका भी जो साइन जो एरो है वो इन टू ही जाएगा, जाहिर है उंगलियां अगर कर्ल करें। मैं अब इसमें ये कहूँगा कि टी सी डी इज इक्वल टू माइनस 10 न्यूटन मीटर, ठीक हो गया। और फाइनली मैं अगर डी ई काटूँ, अच्छा अब डी काटूँ तो एक तो तरीका ये है कि मैं सारे ए से बी सी डी सारे, दूसरा तरीका ये है कि वाई डू सो मच हार्ड वर्क, जब अब मैं इधर वाला पोर्शन क्यों नोट डालूँ, ये ई वाला 70 और उन सबको मैं फेंक देता हूँ क्योंकि मुझे कम एनालिसिस करना पड़ेगा, बात तो एक ही है, ठीक है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस 70 को बैलेंस करने के लिए ये आएगा, ज़ाहिर है ऑपोजिट, ठीक है, और इसको अगर उंगलियां बैलेंस उंगलियां आप कर्ल करें उंगलियां कर्ल करेंगे तो आप कहेंगे कि ये भी माइनस एंड इन टू द सेक्शन भी आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि टी डी ई इज ऑल्सो माइनस एंड इट इज 17 न्यूटन, ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा अगर ये बात क्लियर हो गई तो इसको हम अक्सर इस तरह की सिचुएशन को एक डायग्राम में दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं टॉर्क डायग्राम, एक्सियल फोर्स डायग्राम भी इस तरह बना था बन सकता है कि टॉर्क डायग्राम है, ठीक है, यही जो भी हमने 15 ये 15 नेगेटिव में 40 नेगेटिव में 10 नेगेटिव में सारे नेगेटिव में, ठीक है ना, ये बात हो गई। अच्छा अब ये बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, उसने हमें कहा था मैक्सिमम टॉर्क मालूम करें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मालूम करें, उसने हमें ये कहा था, याद है आपको, He wanted us to calculate the maximum shear stress. तो shear stress का formula है T C C मतलब आपको radius over J, ठीक है, तो अब जाहिर है C तो पूरा में constant है, J भी सब में constant है, maximum shear stress कहाँ होगा, जहाँ tau max जहाँ T maximum होगा, तो T maximum कौन सा है, 70, clear है ना ये बात, मतलब ये 10, 40, 15 वाला ये तो कम है ना, सबसे ज़्यादा शेयर स्ट्रेस बेसिकली इसमें डी ई सेक्शन में आ रहा है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, दैट इज़ वेयर दिस टॉर्क डायग्राम इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो जे की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, पाई ओवर 2, सी की पावर 4, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 251.327 × 10³ मिलीमीटर पावर 4, ठीक है, तो टॉ मैक्स कैलकुलेट कर लें, इस 70 × 10³, ये आपने सिर्फ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, सी ये 251.327 × 10³ और सी 20 रेडियस 20 है, तो ये जब आप करेंगे तो इसमें जो आपके पास वैल्यू आएगी 5.57 MPa, दैट इज एज सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा बाकी रह गया आपका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट, वो भी अब कर लेते हैं, बट एंगल ऑफ ट्विस्ट से पहले
हम जरा शो कर लें। उसने एक और मुझसे बात कही थी, उसने कहा था कि शो, उनका काम भी हमें तंग करना होता है ना ज्यादातर, वो ये है कि स्केच द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द रेडियल लाइन ऑफ द शाफ्ट वेयर द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम। यानी ये जो सारी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने मालूम की है वो भी शो कर देते हैं। इट इज नथिंग बट दिस, ये जो हमारे पास अभी 5.57 है, दिस कैन बी शोन लाइक दिस। ये देखिए ऐसे ही है ना, सबसे ज्यादा 5.57 ये इस पे होता है और सेंटर में जीरो होता है, 5.57। आप नोट करें C इज इक्वल टू 20 पे है मैक्सिमम, बीच में तो कम है, इधर तो जीरो है, ठीक हो गया। और बाकी रह गई बात जहाँ तक एंगल ऑफ ट्विस्ट की, बस वो खत्म करके क्लास खत्म करते हैं क्योंकि मुझे एहसास है कि हम पहले ही ऊपर जा चुके हैं टाइम से। डजंट मैटर, एक बस चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट ई स्लैश ए या ए स्लैश ई, एक ही बात है ठीक है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी एल ओवर जे। क्यों समेशन, क्यों ये इंटेग्रेशन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ना जे फंक्शन ऑफ एक्स है ना टी फंक्शन ऑफ एक्स, इसके बेसिकली एक दो तीन चार बनेंगे, यानी कि आपको पता है टी ए बी एल ए बी ओवर जे जी, जे जी तो ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टी बी सी इस, ठीक है ना। तो बेसिकली जे जी जो है वो चूंकि कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है, तो इट मीन्स के हम इसको 1 ओवर जे जी अलग लिख के कॉमन लेके, तो उसके बाद माइनस टी ए बी, माइनस क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि सारे माइनस में है, ठीक है। मतलब दूसरा तरीका ये कि मैं टी ए बी प्लस टी बी सी प्लस टी सी डी प्लस टी डी ई लिख के, अब जब वैल्यूज में पुट करूँगा तो एक में माइनस 15 × 10³ कर दूंगा, फिर मतलब अल्टीमेटली तो माइनस है ना, 40 × 10³ प्लस यानी माइनस 10 × 10³ माइनस 17 × 10³, ये हमारे पास वो आ गया। क्या किधर गया एल आ रहा है, सॉरी वो करता हूँ। और जे जे की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, जी अभी वो 75 वाला, ठीक है ना, वो पुट करें और बिल्कुल एल इसमें आएगा, ये आना चाहिए, ये सब 200 है। अच्छा सर, इसके अंदर 70 वाला पॉजिटिव नहीं होगा? नहीं क्यों पॉजिटिव होगा जी, ये सारे 200 है, वेरी वेल वेल डन टी, ये एल, इसको हम ये काम कर सकते हैं ना, ये इसको हम इसको भी ना एल को भी क्योंकि सब 200 है ना, तो इनको भी हम एल को बाहर ले लें, एक ही बात है, बट गुड पॉइंट। अच्छा हाँ, अब ये करेंगे तो इसका जो आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका जो आंसर है ना वो आ जाएगा आपके पास माइनस 1.43 × 10³-3, ये रेडियंस में होगा, ठीक है। इसको हम फिर इसके मैं डिस्कस में बाद में करूँगा ये अगली क्लास में कि ये इसका क्या मतलब है फिजिकली, बट ये जो अभी सवाल किसे बता दिया, बड़ा तश्वीशनाक सवाल है कि 70 क्यों प्लस होगा जी। ये देखिए ये 70, ये लोडिंग लग रहा था 70, और इसको बैलेंस करने के लिए ये ब्लू में जो मैंने शो किया, इसको बैलेंस करने के लिए ब्लू वाला ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना ऑपोजिट, जी जी। अच्छा आप इस ब्लू के साथ अपनी उंगलियां रखें, तो ये जो आपका अंगूठा है ये इनटू द सेक्शन जा रहा है आउट ऑफ द सेक्शन जा रहा है, ब्लू वाला? हाँ ब्लू के साथ उंगलियां रखें ना, जी जी सर, ये तो आउट ऑफ द पेज जा रहा है ना। आउट ऑफ द पेज कैसे जा रहा है भाई, आउट ऑफ द पेज की बात नहीं कर रहा मैं, आउट ऑफ द सेक्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं ये तो सेक्शन के अंदर जा रहा है। हाँ ये सेक्शन के अंदर जब कोई जा रही होती है वो नेगेटिव होती है, बाहर आ रही है तो क्लियर हो गई बात, ठीक है, ठीक हो गया ना। चले जी, अब मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग, सॉरी मैंने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, अगली क्लास में हम प्रॉपर